हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेमर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने थंबनेल में देख लिया है कि किस तरीके से इजीली एवरी गेम विन कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सोच और समझ के साथ खेलना है ताकि आपको आसानियां पैदा हो तो आप आखिरी ब्लैक बॉल इजीली वोट कर सको। तो भाई, ये मेरी अपनी पर्सनल आईडी है, मेरे बड़े भाई की दिलगफ्फार है, नेम है इसका सी है। अभी मैं अभी आपके सामने लगा दूंगा मुंबई जो 30 मिलियन वाली टेबल है। तो गाइस, मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, अभी नेम आएगा मेरे साथ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई आ गए हैं, तो आप देखना इस वीडियो को और पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी तरीका कार आपको समझ आए वो आप इजीली यहाँ से सीख सको। तो गाइस, ये अभी अब्दुल्ला की बारी है। जब ओपनर हमें बारी देगा तो इंशाल्लाह इजीली इसके साथ विन करेंगे। आप भाइयों ने भी सोच और समझ के साथ गेम को विन करना है ताकि आप भी इजीली एवरीवन गेम खेल सकते हैं। इस भाई के काम तक के अभी इसने खेली है, ग्रीन वाली बॉल को फुट करना चाहता है, तो ये इजीली कर लेगा। तो उसके बाद इसके थोड़ी मुश्किल आते हैं ब्लैक बॉल, क्योंकि ब्लैक बॉल बहुत बहुत मुश्किल जगह पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसे निकाल दिया। तो अभी देखते किस गेंद को खेलना चाहता है ये। गेंदे तो मेरे सारे पसी, एक मैंगो वाली बॉल है वो इसका थोड़ा ईदी है, वो ईदी ओपनर। चलें, इसने सेलेक्ट कर दिया है 3 वाली बॉल। तो अभी हम तब से वेट करते हैं कि ये किस तरीके से खेल देता है। तो गाइस, आप भाई ने परेशान नहीं होना कि हम हारेंगे, नहीं, आपने हिम्मत से खेलना है और मेहनत करना है, मेहनत का फल मीठा होता है। तो अभी ये ओपनर मेरा पहुँचाना चाहता है। तो गाइस, अभी ये तो शुक्र है मैंने बचा दिया, बच गया, मेरा नसीब भी थोड़ा अच्छा था। अब भाई ने भी मेहनत करना है, गेम को थोड़ा सोच समझ के साथ खेलना है। ये देखो गाइस, मैंने इसको खेल लिया, अभी मैं खेलूँगा इसके बाद ये। तो मैं भी इसको पुट कर देता हूँ। तो आप भी इजीली एवरी वन गेम जीत सकती हो, इजी है, आपने थोड़ा मेहनत करना है, अपनी मेहनत थोड़ा इसमें लगाना है ताकि आप भाई भी इजीली विन कर सकें। अगर आप भाइयों का थोड़ा एम या वगैरह निशान थोड़ा कम है तो आप इसे करें ना, मोबाइल को थोड़ा साइड पर रख के एक साइड पर बंद करके आप इजीली उसको निशान के हिसाब से भी पे कर दो, तो इजीली आपकी ओके में चली जाएगी। ये मैं भी इसी तरह करता हूँ, वैसे मेरे से भी कम तर गेंद जाती है, तो मैं भी अपने आँख की थोड़ा यूज करता हूँ ताकि इजीली सेम गेंद नज़र आती है। इसमें थोड़ा इशू ये होता है कि हम डबल शॉट को थोड़ा जो ये पिक शॉट बोलते हैं वो थोड़ा हम मुश्किल से खेल लेंगे, लेकिन आप भाई ने मेहनत की तो इंशाल्लाह आप भी ई पिक वगैरह सीख जाओगे। तो अभी मेरी बाकी दो गेंदें बची हैं, मैं आगे वाला स्पिन लेता हूँ। आप भाई ने थोड़ा देख लें कि गेंद मेरी कहाँ पड़ी है, आपने स्पिन से भी थोड़ा फ़ायदा उठाना है। तो मैंने इसको कर दिया था आगे ताकि स्पिन तो गेंद थोड़ी आगे जाए। जब इसके बाद मेरी लाल बॉल है तो हम इसको थोड़ा आराम से खेलेंगे, ताकि आराम से खेलेंगे तो हमारी ब्लैक है ना वो हमें ईदी के साथ मिल जाएगा। तो मेरी वाइट थोड़ी आगे चली आ गई, तो कोई बात नहीं, अभी मेरी ब्लैक है। तो आप भाई ने स्पिन का फ़ायदा ज़रूर लेना है। हाँ, ये देखो अभी मैंने ऊपर किया था कि ये नीचे की तरफ नहीं है और पीले वाली गेंद है, तो ये देखो आपके सामने मैंने विन किया।